ट्रेनिंग है, स्टूडेंट है कि हम लोग को यहाँ एक तो गाड़ी में डाला गया है सब का, महिलाओं को तो मारा गया है, महिलाओं को मारा गया है, खींच के ला रही थी नहीं आ रहे तो गिरा के लात से मार दिया पूरे, यहाँ देखे यहाँ नहीं है, देखे छिल गया है। बताइए लात से मारने का क्या, ये लोग का तानाशाही चल रहा है, क्यों हम लोगो को ऐसे क्यों नहीं उठा पा रहा है, ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, लात से मारने का है, लगा चोट नहीं लगता है क्या? बस दो ही डिमांड है, एक हम लोग का एज बढ़ा है, हम लोग को 2016 को एग्जाम लिया है और आज तक सोचे कितना साल हो गया, सबका एज निकल गया, हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे कैसे देंगे, एज रहेगा तब ना एग्जाम दे करके आएंगे। विस्थापित ऑपरेटिंग संघ का पिछले 11 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, इन लोगों को नियोजन की कुछ मांग थी, वार्ता आगे नहीं हो पाया और कुछ इन लोग अपने जीत पर अड़े हुए थे और इन लोग के द्वारा विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, तत्पश्चात जो सो मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर इन लोग को यहां से उठाया जा रहा है। क्या कर रहे थे आज विधि व्यवस्था बिगाड़ने में? रोड में गाड़ी रोक रहे थे, गाड़ी के आगे सो जा रहे थे और यहाँ तक कि हमला करने पर भी ये लोग उतारू हो गए थे, उन लोग को बस बैठाया गया है, थोड़ा बलपूर्वक, कोई जो सो बल प्रयोग नहीं किया लेकिन बलपूर्वक उन लोग को बैठाया गया है गाड़ी में ताकि इन लोग को विधि व्यवस्था भंग नहीं करने दिया जाए। महिलाओं का आरोप है कि उनकी पिटाई की गई, नहीं ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना घटी है। अभी इन लोग को कुमार मंगलम स्टेडियम में कैंप जेल बनाया गया है, वहीं पर इन लोग को भेजा जा रहा है।